इस बड़े हॉल में खाने की व्यवस्था है और बगल में ही चार पांच हॉल हैं बड़े बड़े जिसमें सोने की व्यवस्थाएं हैं। ये बड़े बड़े हॉल ऐसे चार पांच हैं और ये सोने की व्यवस्था है। यहाँ पे अगर आप आते हैं तो रात को सोने की व्यवस्था है। एक हॉल में लगभग 600 से 700 लोग सो सकते हैं। हरिद्वार की मैक्सिमम भीड़ इन्हीं हालों में आके समा जाती है। अभी हम हरिद्वार में हर की पौड़ी पे हैं और हम आपको दिखाएंगे कि आप फ्री में कैसे रह सकते हैं रात भर, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या है होटल्स जो है 500 से 1000 रुपये एक रात का लेते हैं। तो अभी हम चल रहे हैं दिखाने कि आप कहाँ पे फ्री में रह सकते हैं। ये पूरा नज़ारा है हरिद्वार हर की पौड़ी का। तो सबसे बड़ी समस्या का समाधान हम आपको कराने लेके चल रहे हैं। ये है शांति कुंज हरिद्वार और ये गेट नंबर 5 है। ऐसे 2, 3, 1 भी गेट नंबर हैं और बहुत सारी यात्रियों को रहने की व्यवस्था है, वो भी फ्री में। अभी हम चल के पूरा दिखाएंगे आपको। आप शांति कुंज हरिद्वार से BA, BSc, BBA, BCA और BWOC हर चीज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको पढ़ने की सारी व्यवस्थाएं हैं। यही मेरा वो है जेमिनी हॉल, इसमें बेड नंबर 81 मिला हुआ है। तो चल के हम आपको दिखाते हैं अंदर। तो अभी हम शांति कुंज में हैं और यहाँ पे इतना खूबसूरत माहौल है। हरिद्वार में है शांति कुंज, गायत्री परिवार वालों का है। तो हम रात को आए तो एक फॉर्म भरना पड़ता है, 1 मिनट का टाइम लगता है, इसके बाद आप फ्री में यहाँ पे रह सकते हैं। आपको 3 टाइम खाना मिलेगा, नाश्ता और लंच डिनर सब कुछ मिलेगा आपको, वो भी फ्री में। तो बहुत अच्छा काम है ये। देखिए शांति कुंज हरिद्वार की ये बिल्डिंग्स हैं और कम से कम 2-3 किलोमीटर में ये फैला हुआ है हरिद्वार में। तो बहुत अच्छी जगह है जिन लोगों को रहने की व्यवस्थाएं नहीं है हरिद्वार में, डरते हैं आने से हरिद्वार में कि कहाँ रुकें, कैसे रहें, कैसे खाना कहाँ खाएं। तो जिनके पास पैसे नहीं होते या जिनके पास हैं भी, कुछ लोग सिंगल भी आते हैं तो उनको रूम वगैरह नहीं मिलता है। तो जिनको कोई भी दिक्कत हो रहने की या खाने की समस्या हो, शांति कुंज हरिद्वार में आए। तो हम रात को यहाँ पर आए थे और फॉर्म भरने के बाद एक कागज़ आपको पर्ची मिलता है, आप पर्ची दिखा के कहीं पे भी जा सकते हैं हरिद्वार में। काफ़ी दूर है ये शांति कुंज हरिद्वार, तो शांति कुंज में कहीं पे भी अगर आपको जाना है तो आपको पर्ची दिखाना पड़ेगा। तो पर्ची दिखा के आप कहीं पे भी जा सकते हैं। तो जगह बहुत अच्छी है और आपको अगर कहीं जगह नहीं मिल रही है रहने की और खाने की तो आप शांति कुंज हरिद्वार आ सकते हैं, बहुत अच्छी जगह है ये। अभी रोटी मिली थी, ये चावल है, सब्जी है, दाल है और ये है छाछ। एक दिन रहने के बाद हम जा रहे हैं, एक रात रहना था हमें। हम रात को आए थे 9 बजे और अब हम यहाँ से जा रहे हैं क्योंकि हमारी ट्रेन है वाराणसी की, तो हम वाराणसी निकलेंगे। लेकिन आप यहाँ पे 10 दिन 15 दिन आराम से रह सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, वो भी फ्री में सब कुछ कर सकते हैं।
बहुत अच्छी जगह है, जिनको नहीं पता आप शेयर करके ज़रूर उनको बताएं कि नहीं हरिद्वार जैसी जगह पे इतनी अच्छी रहने की व्यवस्था है, जहाँ पे इतना प्राकृतिक वातावरण है, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी भी है, बहुत बड़ा कैंपस है, तो बहुत अच्छी जगह है। आप ज़रूर यहाँ पे एक बार विजिट करें और हम तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे, क्योंकि अकेले हम आए थे हरिद्वार में तो हमको रूम मिलना मुश्किल हो गया था, क्योंकि अकेले यहाँ पे रूम नहीं मिलता, और रूम मिल भी रहे थे तो होटल्स में 1500 रुपये 2000 रुपये एक रात का और एक पर्सन का मांग रहे थे, और उन सब से लाख गुना अच्छा है। हरिद्वार में लगभग हर की पौड़ी से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पे है, 20 रुपये किराया दे के आप शांति कुंज आ सकते हैं, जिसमें 1 2 3 4 5 5 गेट हैं। यहाँ पे बहुत बड़ा कैंपस है इसका, तो एक बार आप आइए, फॉर्म भरिए, जितने देर रहना है उतने देर रहिए, खाइए पीजिए और प्रभु की आराधना कीजिए। जब जाना हो तो आराम से वो पर्ची जमा करके आप जा सकते हैं, कोई चार्ज नहीं आपका लगने वाला। तो फिर हम निकल रहे हैं, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लोगों से ज़रूर शेयर करें, जिससे लोग जान सकें कि हरिद्वार जैसी फेमस जगह पे भी फ्री में रहने और खाने की व्यवस्था है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और प्लीज़ शेयर ज़रूर करें इस वीडियो को।